हेलो, ये किसकी आवाज़ निकली थी? हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो गाइस। तो मुझे पता है आप लोगों ने मुझे बोला था कि अनफिल्टर्ड डे इन द लाइफ ऑफ एन एमबीबीएस स्टूडेंट बोला, और इसका मतलब ऑब्वियसली यही है कि वीक डेज पे बनानी थी वीडियो। लेकिन तुम लोगों की पोल का रिजल्ट आते आते वीकेंड आ गया, तो इसलिए अभी के लिए तो आई एम शूटिंग दिस वीकेंड व्लॉग, क्योंकि लंबा वीकेंड है। फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे छुट्टी नहीं थी, क्लास अटेंड करके आई हूँ आज पूरा दिन। ऑल्दो मेरी तबीयत खराब है, मेरी आवाज में थोड़ा नेजल ट्वैंग भी होगा, और अभी मैं सोई हुई थी। बट मतलब मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया था कि आज बीच जाना है, बीच जाना है, क्योंकि कल फिर हाफ ऑफ देम आर गोइंग टू बैंगलोर, नहीं ऊटी, बहुत सारे ऊटी घूमने जा रहे हैं मेरे दोस्त। तुम ये तो नहीं सोच के हंस रहे हो ना कि हाँ इसको नहीं लेके जा रहे? नहीं लेके गए साथ, मतलब मुझे खुद को भी नहीं जाना था, मेरे पापा नहीं मानते इतनी दूर नहीं जाने देंगे मुझे। एनीवेज वो लोग जा रहे हैं, इसलिए आज हम सब जा रहे हैं, बीच जा रहे हैं, और बीच पे थोड़ा चिल करके आते हैं। मैं सो रही थी, मैंने एकदम कैंसिल कर दिया जब उन्होंने मुझे उठाया ना कि चल अब चलते हैं। मैंने बोला कि नहीं, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को वायरल हो रखा है, ऐसे जुकाम वुकाम हो रखा है। पर फिर एक बार नींद खुल गई तो मैंने सोचा अब चल ही लेते हैं। ये सब एक के ऊपर एक चढ़े मेरे दोस्त हैं। देखो देखो दोनों कैसे भागे भागे आगे जा रहे हैं ताकि इनको सनसेट देखने को मिल जाए। बीच पे जाके मेरे को पर्सनली मजा बहुत आता है, पर ये जो कोस्ट के पास मरी हुई मछली की बदबू आती है ना, दो ये रहे और दो वो रहे। सनसेट व्यू, दिस इज दी पोस्ट सनसेट व्यू। ओके सो गाइस, दिस बट ये सनसेट तो नहीं मिला, बट ये मिल गया। कितना सुंदर लग रहा है ना यार, हेवन है हेवन। मेरे को कभी कभी लगता है कि कॉलेज मणिपाल की जगह उडुपी होना चाहिए था। बीच पे आके पढ़ते हम। कौन सा सन है? ओ पर मेरे फोन में नहीं दिख रहा, वो दिख रहा है ये सन है। कितना सुंदर उसमें रेज दिख रहे हैं, वो देखो स्टार, ये वीनस है दोस्तों। कैसे पता तुम्हें? मैंने ऐसे ही बोला है, वीनस में सबसे बक रहा हूं। तुमने तो बोला वीनस है, तभी तो मैंने बोला। मैं तो बस रैंडम फेंक रहा हूं। फेंक रहा है दोस्तों। आंटी गोला खा रहा है। जल्दी जल्दी आओ ना। दिखने में तो अच्छा लग रहा है। 5 महीने से नाखून नहीं काटे इसने। क्या बात कर रही हो, मेरे उससे बड़े हैं। राजकुमार द स्नोमैन आ गया है। अभी मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है, जिसमें मैंने लिखा है कि मैं, ऑल्दो कल छुट्टी है, कल और परसों लॉन्ग वीकेंड है ये, बट मैं पढ़ूंगी, रज के पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे इस वीकेंड में मैनेज करना है, बैलेंस करना है पढ़ाई को और चिल करने को,
11 बज गए हैं और सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, रज के पढ़ाई करनी है, ताकि बिल्कुल ऐसा ना हो कि वीकेंड ऐसे ही चला गया। गुड नाइट। The next day. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस सैटरडे ऑफ द वीकेंड। और अभी मेरे दोस्त लोग सब निकल चुके हैं, ऊटी घूमने जा रहे हैं वो लोग। आवाज़ चेंज हो रही है बिल्कुल धीरे धीरे करके, मतलब जितना बुरा हाल पहले था ना, जैसे मुझे फ्लू स्टार्ट हुआ था तो तब तो मेरे सिर में दर्द होता था, मेरी बॉडी में से ऐसे लगता था बिल्कुल एनर्जी जा चुकी है, कोई एनर्जी नहीं होती थी बॉडी में। लेकिन वैसे इन दैट सेंस ठीक है, क्योंकि जब वो होता है ना तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती है उसके बाद, क्योंकि मेरा सिर दर्द हो रहा होता है, मेरे को जैसे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, शायद से वो थोड़ा दवाई की वजह से भी होता है। बट अभी मैंने दवाई भी नहीं ली है और मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। बस अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आवाज़ चेंज आ रही है, मेरे को पर्सनली कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, थोड़ा सा कोल्ड है बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं हो रही। एनीवेज अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ और आज का दिन मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोडक्टिव हो, क्योंकि काफ़ी दिन से ये बीमार थी मैं, इस वजह से भी पढ़ाई नहीं हो रही थी। आज मैं पढ़ूंगी पक्का। टीवी रूम देखो, यहाँ पे टीवी है पर इसकी कनेक्शंस भी गए हैं, टीवी चलता नहीं है। एक मिनट बैक कैमरा करके पूरा दिखाती हूँ तुम्हें। देखो चेयर्स है और ये देखो इतनी बड़ी विंडो। तो मुझे आज ये लैरिंग्स वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म करना है ENT का, जितना भी मुझसे हो पाए, और प्रेफरेबली इस वीकेंड पे ये हो जाए तो अच्छा रहेगा। एंड दिस इज़ हाउ आई यूजली स्टडी, कि हाफ स्क्रीन पे मैं मैरो की वीडियो लगा लेती हूँ और बाकी की हाफ स्क्रीन पे नोट्स, जिसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। केम टू माई रूम, रीज़न ए बीइंग कि मेरे को थोड़ा थोड़ा से रियलाइज़ हो गया था कि मेरे को पीरियड्स हो गए हैं और हो भी गए हैं, और दूसरी चीज़ ये कि मुझे वीडियो अपलोड करनी थी आज शाम को 5 बजे, मेरी वीकेंड वीडियो जाने वाली थी, ये वाला वीकेंड नहीं पिछले वाला वीकेंड वीडियो, और ये अपलोड करना है और बस अब बैठूंगी फिर से पढ़ने फटाफट से अपलोड करने के बाद। अभी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने कवर कर ली हैं, एक बार देख के बताती हूँ कितनी रह गई है, मैंने देखा ही नहीं, 8 थी और 3 रह गई हैं इसके बाद, तो ठीक है अच्छा प्रोग्रेस है। अभी 1 बज गया और मेरे को बहुत तेज से भूख लगी, अभी मैं वीडियो देख रही थी ना, मेरे पेट ने आवाज़ की कर करके, तो अब मेरे को खाना खाने जाना है और मेरा बहुत ही कुछ बेसिक सा खाने का मन कर रहा है, जैसे कि दाल चावल टाइप। अभी ना चाहते हुए मेरे को कुछ कुछ सामान लेके जाना है फ्रूट शॉप से, क्योंकि मैंने और फातिमा ने प्लान किया है कि हम मूवी नाइट रखेंगे आज, और मूवी नाइट में कुछ कुछ तो खाएंगे ही, तो हमने सोचा कि हम ना एग रोल बनाएंगे, एग रोल और पॉपकॉर्न्स और मैगी। दो बज गए हैं और अभी थोड़ा सा ऑफ्थैल पढ़ना है मेरे को और फिर शाम में चिल करेंगे, क्योंकि यार लॉन्ग वीकेंड है, सब घूमने गए हैं, थोड़ा चिल करना तो हमारा भी बनता है। नहा लिया है मैंने, इतना ज्यादा ऐसे एक थोड़ी सी तो मैं बीमार पहले से ही हो रखी हूँ, ऊपर से मैं नहीं नहाती हूँ ना, तो मेरे को प्रॉपरली ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि मैं बीमार ही हूँ पक्के वाली। अब मेरे को थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है, अब मैं फटाफट से अपनी बची हुई पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि ENT का तो जितना मैंने सोचा था मैंने कर लिया है, और ऑफ्थैल का रह गया, फटाफट से वो करते हैं, उसके बाद मैं फातिमा को बुलाती हूँ और फिर कुछ बनाते हैं।
तो मैंने बताया था कि हमें एग रोल्स बनाने हैं, तो फातिमा जस्ट अभी आने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ कि डो पहले ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि उसको फिर 10-15 मिनट्स रेस्ट करवाना होता है। आते भी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है, ये ऑयल है ना, इसको मिक्स करना है और फिर उसके बाद डो तैयार करेंगे पानी डाल के। टारा, द डो इज रेडी। मैंने सोचा है कि हम एग रोल्स और मैगी बनाते हैं और इंटरवल में पॉपकॉर्न्स बनाएंगे। खा लोगे ना एग रोल में? ठीक है फिर। खीरे बहुत पसंद है, खीरा मैं लाई हूँ उसी लिए। कोल्ड कॉफी मेरे पास वो पड़ रहा है ये, ठीक है, ये दूध ले आई हूँ मैं, तो तुम कॉफी बनाना और मैं एग रोल बनाती हूँ। मेरे भाई तो मेरे से पेपरों, मेरे पेपरों में भी मेरे से कॉफी बनवा। कॉफी बन रही है, ऐसे लग रहा है थैले ही थैले हैं मेरी सारी किचन में। कोल्ड कॉफी इसमें बनेगी, ये रहा दूध और ये तंदूरी में है विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द एग रोल। तारा बाकी का अब काटना क्या रहेगा, प्याज काट। के पहले फ्लोर पे उसके ऊपर कंबल रख के और फिर फेरी लाइट्स को पूरा अच्छे से लगा रहे हैं ताकि हमें एक सुंदर सा अच्छा सा माहौल मिले मूवी देखने के लिए। ऑमलेट 1, ऑमलेट 2, अरे ये तो दोनों ही ठीक है भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये रोटियां हैं, रोटी और ऑमलेट में फर्क ही नहीं लग रहा। पक्का ज्यादा अच्छा लगेगा। सब कुछ एकदम मस्त तैयार कर लिया हमने, हम हो गए हैं जंगल में मूवी नाइट के लिए रेडी। और अब मैं दिखाती हूँ हमने क्या क्या बनाया ना, और साथ में फेरी लाइट्स लगाई हैं। मस्त एकदम, वीडियो में उतना अच्छा नहीं आ रहा जितना अच्छा एक्चुअली ये लग रहा है। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर मूवी, बाय। अभी अभी जस्ट हमने अपनी मूवी ख़त्म करी है और बहुत अच्छी मूवी थी ये। एक्चुअली इसका नाम हाय नाना है, लेकिन हाय पापा के नाम से भी है, मतलब हिंदी में भी है, हमने नेटफ्लिक्स पे देखी थी। बहुत अच्छी मूवी है, मतलब कोई भी जॉनर हो मुझे वो मूवी तब तक अच्छी नहीं लगती है जब तक उसकी स्टोरी लाइन अच्छी ना हो, और इसकी स्टोरी एकदम वैसी थी जैसी मेरे को पसंद आती है। तो मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है अगर किसी को देखनी है। The next day. Good morning, दोस्तों, तो बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं 7 बजे के बाद नहीं सो पाई। मतलब 7 बजे की जो क्लॉक है ना वो ऐसे सेट हो गई है ना मेरे दिमाग में, कितना भी अलार्म हटा लो लेकिन मेरे को 7 बजे ही उठना है, कितनी भी कोशिश कर लो। एंड ऑल्सो
धूप आई है आज मणिपाल में और मणिपाल की बारिश फाइनली चली गई है और आज का दिन थोड़ा सा ज्यादा काम करने वाला है। VSO का प्रोजेक्ट भी जाना है, गुरुद्वारे भी जाना है और फिर फातिमा भी आएगी शाम को और हम कुछ करने वाले हैं जो कि तभी बताऊंगी जब करेंगे। नहा धो के ना मैं बैठ गई थी, मेरे को एक्चुअली दो शॉर्ट्स एडिट करने थे क्योंकि वो पिछले हफ्ते के शॉर्ट्स हैं एक्चुअली। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जो सारा हफ्ता शूट करती रहती हूँ शॉर्ट्स शूट करती हूँ सारा हफ्ता, फिर उसको मैं वीकेंड पे ही एडिट करती हूँ। तो यहाँ पे एडिटिंग चल रही है। मेरा प्लान, मेरे को ना मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने, मेरे को खुद को भी आती है लगानी वैसे, पर मैंने खुद से लगाई नहीं जाती अपनी कभी भी, मम्मी के लगाती थी मैं करवा चौथ पे। तो मैंने फातिमा को बोला था कि तू मेरे लगा दियो, वो लगाती रहती है, बहुत प्यारी लगाती है। तो फातिमा आएगी और वो रात को ही जब हम अपनी मूवी नाइट कर रहे थे तो यहाँ पर वो रखी गई थी मेहंदी के दो कीप्स बोलते हैं शायद उसको। मणिपाल में गर्मी हो गई है, अब बारिश तो चली गई है पर गर्मी, ओ माय गॉड। बीच वाले रास्ते से आ रही हूँ ताकि गर्मी ना लगे मेरे को, धूप ना लगे, और गुरुद्वारे से वापस आ रही हूँ अगे। लेकिन आज जाने में थोड़ा लेट हो गया था, आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। लेट जाना में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, गंदा सा फीलिंग आती है कि एक दिन आप पूरे हफ्ते में जा रहे हो उसमें भी लेट जा रहे हो। अगले हफ्ते से आई विल बी पंक्चुअल। One eternity later. गुरुद्वारे से आके मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, मतलब सोई आधे घंटे के लिए हुई हूँ पर पावर नैप था, पावर नैप, क्योंकि इतने पसीने आए थे ऐसे लग रहा था सूरज, क्लियर वो ऐड नहीं आती थी ग्लूकोन डी वाली, सूरज सारी एनर्जी चूस जाता था बच्चे की, वही हुआ सेम मेरे साथ आज। इसलिए मैं सोई, मैंने थोड़ी सी एनर्जी रीगेन की है, कपड़े वपड़े चेंज किए, अब VSO के प्रोजेक्ट के लिए जा रही हूँ और मेरे को ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं वहाँ क्या होने वाला है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि जिस प्रोजेक्ट में मैं जा रही हूँ उसका नाम मुस्कान है और हमें किसी बीजापुर कॉलोनी जाना होता है, जाके देखते हैं क्या होता है। चॉकलेट खा रही हूँ। चलो सूरज जी, यूवीला दिखाओ, पागल लड़की। हम बीजापुर कॉलोनी जा रहे हैं, वहाँ पर ये एक स्लम एरिया है, वहाँ पर बच्चों के साथ खेलना होता है और स्पेसिफिकेशन उन्होंने सिर्फ इतनी बताई है कि बच्चों की एनर्जी को मैच करना, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ये तो मरा हुआ सूरज आया आज, मरा हुआ सूरज आया आज बिल्कुल नहीं हुई। अब तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, किसी के पास भी छाता नहीं है। हिंदी नहीं आती, लेट्स गो। बनी 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 जाने दो, अक्का को जाने दो, ये
भाई जलवा देखो इनका। ये इतना खुश क्यों हो रहा है हमारे? बहुत ज्यादा टायरिंग था वो, बच्चों में बहुत ज्यादा एनर्जी है भाई हमारे मुकाबले में। मेरे को तो लगता है ग्लूकोन डी उन्हीं में से निकलता है बच्चों में से, इतना खेलते कूदते रहते, इतने ज्यादा एनर्जेटिक है। अब मेरा एकदम हुलिया बदल चुका है, चिपचिपाहट हो रही है मेरे को, तो मैं फटाफट से नहा के आती हूँ। हम डिनर के लिए हम जा कहाँ रहे हैं ये तो बता दो। सु क्या नाम किसी को पता नहीं है, बस जा रहे हैं। सुख सु सुख सु आज हम जा रहे हैं, बोल दो तुम पीछे से, मैं बोलूंगी आज हम जा रहे हैं, तुम बोलना नाम। आज हम जा रहे हैं सुख सु, देखा बन गई ना बात, सुख सुख है ये तो पंजाबी जैसा साउंड कर रहा है। सुख सुख सुखदेव का ढाबा याद नहीं आ रहा तेरे को? हाँ भाई, तो जगह तो सुंदर है देखो, पर एसी भी इन्होंने भी नहीं चला रखा है ऐसा लग रहा है। अरे भाई प्रे बाप, इतने बाल आ गए, सारी डिश का मजा ही खराब हो गया। ये लड़की ने हमारी फोटो खींचनी थी, वीडियो बना ली।